सबसे पहले आपको ये इस तरीके से खोलना है। इसमें आपको कपड़े डालने हैं। कपड़े डालने के बाद आपको इस तरीके से इसको खोलना है। ये जो आपका डिटर्जेंट का रहेगा, मैं आपको सर्फ डालना है, ठीक है। सर्फ डालने के बाद आपको सिंपली इसको इस तरीके से लगा देना है। कपड़े डाला, सर्फ डाला और फिर आपने लगा दिया। इसमें ये इधर की साइड रहता है, ये देखिए, ये इसमें लिखा है, देखिए, सोपनर डिटर्जेंट। अगर सोपनर डिटर्जेंट है तो आपका इसमें लगेगा, ठीक है, इसमें डलेगा। बाकी इसको ये देखिए, ये आ गया, ठीक है। सोपनर डिटर्जेंट इसमें डलेगा, सर्फ आपका इस सेक्शन में डलेगा। दोनों डालने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इसको लगा देना है यूं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसके बाद क्या करना है आपको, वॉश करना है। तो पहले तो आपको ये पावर करना है, पावर पावर। ये मशीन भी आपकी 3 स्टेप चलेगी, पावर, प्रोग्राम एंड स्टार्ट। तो पावर के बाद आपको देना है प्रोग्राम। प्रोग्राम में पहला आपका रहेगा नॉर्मल, जो डेली वॉश है वो आपका नॉर्मल पे रहेगा। इसके बाद आता है आपका नाइट की। हाँ, तो पावर के बाद आपको प्रोग्राम करना है साइकिल से। तो नॉर्मल जो आपका रहेगा ये रहेगा आपका डेली वॉश। डेली मतलब होता है कि जो आप डेली में मिक्स आपके कपड़े रहते हैं, जींस वगैरह जो डेली, वो आप नॉर्मल पे करेंगे। नॉर्मल के बाद आता है सुपर क्लीन। सुपर क्लीन में आपका आएगा जैसे रफ एंड टफ, थोड़ा जो कपड़े आपके थोड़े गंदे हैं तो आप उसको रफ सुपर क्लीन करके सीधा स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आता है आपका क्विक वॉश। क्विक वॉश का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए आपके पास है 4 या 5 कपड़े, तो आप क्विक वॉश करेंगे। मतलब कि इसमें सब सेट है लेकिन इसकी लिमिट है ओनली 2 kg कपड़े, 4 से 5 कपड़े, कम कपड़े हैं तो इस पे कर देंगे। 22 से 23 मिनट लेगा ये, कम से कम टाइम में आपके कपड़े धो देगा। इसके बाद आता है डेलीकेट। डेलीकेट आता है आपका साड़ियों के लिए, क्योंकि साड़ियां वो गांठ सी बन जाती है इस कारण, तो साड़ियों का अलग है, ठीक है। इसके बाद आता है एक्वा रिजर्व। एक्वा रिजर्व में क्या होगा, जिस जैसे पानी है जो आपका, वो इसमें कम वेस्ट होगा और पानी को रिजर्व करके चलेगी, ठीक है। इसके बाद आता है जींस। जींस के लिए ये अलग दिया है क्योंकि जींस रंग भी छोड़ता है और जींस का जो कपड़ा होता है वो काफी थोड़ा टाइट भी होता है, तो जींस के लिए आपको ये अलग से करना है। अगर आपका मिक्स है तो आपको नॉर्मल पे जाना है, अगर अलग से ज्यादा जींस है तो आपको। तो ये हो गया एनर्जी सेविंग मोड। एनर्जी सेविंग मोड मतलब सर मैम, जैसे इसमें ये पावर जो कंज्यूम रहता है उसको कम यूज करता है, मतलब पावर की सेविंग करता है ये, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रिंग्स एंड स्पिन। रिंग स्पिन का मतलब हो गया खगालना और सुखाना, ठीक है। इसमें क्या, जैसे कब यूज करोगे, तो जैसे मान लो अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में आपने सर्दियों के कपड़े निकाले, तो कपड़े निकालोगे तो वो एक स्मेल मारेंगे, तो उसके बाद आप रिंग स्पिन कर सकते हैं जिससे कि आपकी बदबू मर जाए। मतलब डाल के पानी को और निचोड़ दिया तो आपकी बदबू खत्म। इसके बाद आता है टब क्लीन। इको टब क्लीन का मतलब हो गया, एक टब क्लीन नाम का ऑनलाइन पाउडर आता है, उसको क्या करना है आपको, एक टब क्लीन पाउडर आता है उसको सेम यही सर्फ की जगह पे डाल के मशीन को टब क्लीन पे लगाना है। ये देखिए 2 घंटे मशीन चलेगी और आपकी सर्विसिंग 6 महीने में 1 बार, ठीक है, 6 महीने में 1 बार आती है। 150-200 रुपए का पाउडर आता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, पहले पावर, प्रोग्राम मैंने स्टार्ट। पावर के बाद आपको प्रोग्राम देना है किस तरीके से आपको जो आपके कपड़े हैं वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, सिलेक्ट किया एंड स्टार्ट किया। इसके बाद अब ये आपका इधर का है मैनुअल। ये आपका फुली ऑटोमेटिक हो गया, ये मैनुअल हो गया। मैनुअल मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए पहले आपका आ रहा है इसका ड्रेन, जैसे मान लो पानी फंस गया है, कभी लाइट चली गई, अचानक से रुक गई, तो आप लाइट पावर करते ही सीधा ड्रेन कर देंगे तो वो सारा पानी निकाल देगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं वाटर लेवल। वाटर लेवल का मतलब ये हो गया, जैसे कम पानी है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल 1 लेवल तक पानी भरे, तो आप इस तरीके से ये लेवल सेट कर सकते हो कि वो कम से कम पानी भरे। वैसे तो ऑटोमेटिक रहेगा लेकिन आप इसमें फुली ऑटोमेटिक इसको मैनुअल भी चला सकते हो। इसके बाद आता है वॉश टाइम। वॉश टाइम बता रहा है ये 24 ये 30। अब मान लीजिए ये आपने वॉश टाइम कर दिया आपने 30 मिनट। अब आपको सेमी ऑटोमेटिक की तरह वॉश करना है, जैसे मान लो कपड़े को वॉश करना है, वॉश होने के बाद उसी श्रम में आपको एक बार और वॉश करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपने ये वॉश कर दिया। वॉश के बाद रिंग्स। रिंग्स का मतलब होता है निचोड़ना, तो गंदा पानी मतलब जो सर्फ का पानी वो निकाल दे, तो आप इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। रिंग्स बंद हो गया। अब आ गया स्पिन। तो स्पिन भी आपको बंद करना पड़ेगा क्योंकि स्पिन पे भी पानी निकाल देगा। अब आपका क्या चल रहा है, ओनली वॉश, मतलब कि तेज में वो कपड़ों को धोएगी, धोने के बाद मशीन बंद हो जाएगी, कपड़े निकाल के आप उसी में उसी सर्फ में दोबारा कपड़े धो सकते हो। धोने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से रिंग्स स्पिन करोगे तो वो मतलब साथ में आप धो नहीं सकते कपड़े को, अच्छे गंदे कपड़े, लेकिन साथ में निचोड़ और सुखा सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये दे रहा है चाइल्ड लॉक का, इन दोनों को प्रेस करेंगे तो ये अपना चाइल्ड लॉक पे चला जाएगा।
ठीक है, और इन दोनों को प्रेस हो जाएंगे तो ये डायग्नोस में चला जाएगा, जैसे कोई प्रॉब्लम होती है वो सर्च होता है। ठीक है, बाकी ये आपका मॉनसून मोड, जो मॉनसून जो कपड़े नहीं रहते हैं ये मॉनसून मोड पे है, और ये इंटाइजर वॉश है। इंटाइजर जो जैसे आपके जो प्रेस वाले कपड़े होते हैं ना, जैसे टी शर्ट्स हैं आपकी, तो आप इंटाइजर पे कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, और स्टार्ट कर देंगे, पावर किया, उसके बाद ये एक्स्ट्रा फीचर्स है, समझ आ गया। स्टार्ट, अब जैसे मान लीजिए अब ये मशीन आपने चालू की, मशीन के बाद आपने वॉशिंग स्टार्ट कर दिया, उस बीच में आपके कपड़े जो कॉलर के दाग होते हैं वो ये मशीन कई बार होता है कि नहीं निकलते हैं, तो क्या करना है आपको, इस तरीके से खोलना है, यहाँ से लॉक रहता है ये वाला, इसको इस तरीके लगा के यहाँ साइड में एक बटन दिया जाता है ये, इसको आपको इस तरीके से प्रेस करना है तो ये पानी आने लगा। अब आपको क्या करना है, कपड़ा निकाल के इस तरीके से यू में रगड़ना है सर, जिससे कि आपका जो कॉलर का दाग है वो निकल जाएगा, रगड़ के आपको सिंपली अंदर डाल देना है जिससे, ठीक है, होते ही आपको यहाँ से ये बंद कर देना है इस तरीके से, फिर लगा देना है आपको इस तरीके से, लॉक हुआ फिर ये आपको स्टार्ट कर देनी है, ठीक है।